हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है बबली किचन में। फ्रेंड्स, अभी सर्दियों का मौसम है तो आज मैं बनाऊंगी आंवले का मुरब्बा। तो आप तो सब जानते होंगे कि आंवले का मुरब्बा बहुत ही हेल्दी होता है और सर्दियों में तो सबको एक आंवला जरूर खाना चाहिए। और ये इतना टेस्टी लगता है कि आप देखेंगे तो खुद को रोक नहीं पाएंगे। तो आइए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 किलो फ्रेश आंवला। ये ध्यान रखें, जो बड़ा साइज का आंवला आता है वो लें। और इसको पहले मैंने धो लिया है और इसको पिक किया है। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से। एक आंवला मैंने बचा के रखा है दिखाने के लिए। तो आंवले को पिक करने के लिए पहले इसको इस तरह से एक हाथ से पकड़ेंगे सावधानी से, और फॉर्क को ऐसे दूसरे हाथ से पकड़ के अंदर बीज तक इसको छेद करेंगे। अच्छी तरह से पास पास में छेद करेंगे और सावधानी से करेंगे, क्योंकि ये काम जो है थोड़ा सा मुश्किल है, हाथ में लग भी सकता है। तो आप थोड़ा ध्यान से करें, लेकिन इतना टेस्टी मुरब्बा तैयार होता है ये बन के। तो इस तरीके से पास पास में इसको प्रिक करते जाएंगे। हाँ, 20 तक करेंगे, क्योंकि अंदर तक रस जाना जरूरी है इसमें, तभी अंदर से टेस्टी होता है मुरब्बा और पूरा रसीला मुरब्बा बन के तैयार होता है। तो देखिए, मैंने पूरा कर लिया है। और इसको अगर आप हाथों में लेके करेंगे तो हाथ में आपको लग सकता है। तो इस तरह से एकदम पास पास में मैंने छेद किया है। अभी आंवला रेडी हो गया है। तो इस तरह से सारा आंवला मैंने कर लिया है। इसके बाद एक बड़ा सा बर्तन लेंगे और इसमें सारा आंवला डालेंगे। बड़ा बर्तन हमने इसलिए लिया है क्योंकि आंवले को भिगाना है। तो इसमें हम पानी डालेंगे, इतना पानी डालेंगे जिससे कि आंवला पूरा डूब जाए। तो देखिए, आंवला पूरा अच्छी तरह से डूब गया है पानी में। उसके बाद मैंने एक पीस ये फिटकरी का लिया है, इतना बड़ा टुकड़ा। ये किसी भी ग्रोसरी शॉप में आपको फिटकरी बोलने से मिल जाएगा। तो ये पानी में डाल देंगे, इससे आंवले का सारा कसैलापन दूर हो जाएगा। इसको हम 10 से 12 घंटे तक ढक के छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, अभी 12 घंटे हो चुके हैं और इसको रात भर मैंने फिटकरी वाले पानी में भिगो के छोड़ दिया था। उसके बाद पानी से मैंने बाहर निकाल लिया है और 2-3 बार इसको पानी से धो लिया है, साफ पानी से, जिससे कि इसका कसैलापन दूर हो जाए। और इसको अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे जिससे इसके अंदर जो पानी है वो भी निकल जाए। तो ये करना बहुत जरूरी है कि फिटकरी का पानी रह ना जाए। तो इस तरह से इसको निचोड़ के रेडी कर लेंगे और मुरब्बा बनाना बनाना शुरू करेंगे। मुरब्बा बनाने के लिए एक बड़े से बर्तन में आंवले को डालेंगे। बड़ा सा बर्तन रहेगा तो ये बनाने में आसानी रहेगा। और उसके बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो 1 किलो आंवला है तो इसमें हम 1 किलो ही चीनी डालेंगे। ध्यान रखिएगा, जितना आंवला रहेगा उतना ही चीनी डालना है। और इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी, क्योंकि नीचे से ये चिपके ना, तो आधा कप पानी हम इसमें डालेंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालना है। थोड़ा सा पानी हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि नीचे से ये लगे ना, और गैस को जला के फ्लेम लो कर देंगे। और लो फ्लेम पे ही इसको हम धीरे धीरे चीनी को मेल्ट होने देंगे। ये जैसे जैसे मेल्ट होगा ये आंवले से भी पानी छूटेगा और फिर इसको हम पकने देते हैं। लो फ्लेम पे अब ये चीनी मेल्ट होना शुरू हो गया है। तो इसको हम धीरे से चला देंगे ताकि नीचे से चिपके ना। तो जब तक पूरी तरह से ये मेल्ट नहीं हो जाता है, हम बीच बीच में चलाते रहेंगे और लो फ्लेम पे ही इसको हम पकने देंगे। 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है और ये अच्छी तरह से पक रहा है। तो इसको हम एक बार ऐसे चला देते हैं और इसको लो फ्लेम पे ही हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ये चाशनी गाढ़ा ना हो जाए और आंवले का कलर चेंज ना हो जाए। तो इसको एक बार मिक्स कर देते हैं और ऐसे ही लो फ्लेम पे ही इसको पकाएंगे। अभी मुरब्बा को पकते हुए 1 घंटा हो चुका है। तो इसको मैंने लो फ्लेम पे ही रखा है शुरू से। तो अभी इसको एक बार ऐसे चला देते हैं। अभी आंवला काफी हद तक सॉफ्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी इसका कलर जो है अच्छा नहीं आया है, जैसे कि आंवला का मुरब्बा होना चाहिए। तो इसको और पकाना होगा। ये अभी आप देख सकते हैं, थोड़ा मैं दिखाती हूँ स्पून से, ये सॉफ्ट थोड़ा हो गया है। लेकिन अभी इसको हम और पकाएंगे ताकि अंदर तक रस चला जाए और अंदर बिल्कुल भी खट्टापन ना रहे, और इसका जो चाशनी है वो एकदम हनी जैसा हो जाएगा गाढ़ा। तो इसको हम पकने देते हैं। आधा घंटा और पकाने के बाद अभी आंवले का जो है कलर भी चेंज हो गया है और
इसका जो चाशनी है वो भी गाढ़ा हो चुका है, ऐसे आप देख सकते हैं, लेकिन ये ठंडा होने पे और भी गाढ़ा होता है। तो इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए ऐसे उंगली मिलेंगे, अभी थोड़ा गर्म है इसीलिए उठाने में, और ऐसे देखेंगे दोनों उंगली में बीच में चिपक रहा है, और हनी जैसा, जैसे कि हनी चिपकता है, तो इसका मतलब ये रेडी हो गया है। अब गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको हम 10 से 12 घंटे के लिए ढक के छोड़ देंगे, क्योंकि अगर गरम गरम आप खाएंगे तो ये बीच से आपको खट्टा लगेगा, और जब चाशनी में डूबा रहेगा तो अंदर तक चाशनी जाएगा और चाशनी अब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये बहुत ही टेस्ट आ जाएगा इसका। तो हम इसको ढक के छोड़ देते हैं 10 से 12 घंटे के लिए। फ्रेंड्स, अभी 10 से 12 घंटे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं आंवले का कलर कितना चेंज हो गया है, और ये ठंडा भी पूरी तरह से हो गया है। तो जब पूरी तरह से ठंडा हो जाता है तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, और अंदर से भी पूरा रसीला हो जाता है, और इसका चाशनी भी अभी गाढ़ा हो गया है एकदम हनी जैसा। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं और कलर कितना प्यारा आया है, चाशनी भी गाढ़ा हो गया है। तो ये अब खाने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया है। मैं आपको ऐसे कट करके दिखाती हूँ ये कितना सॉफ्ट बना है, स्पून से भी ऐसे कट जाएगा, एकदम गुलाब जामुन की तरह सॉफ्ट मुरब्बा तैयार हुआ है। और हाथों से अगर देखें तो ये अंदर तक एकदम स्पंजी, बहुत ही सॉफ्ट, पूरा रसीला, रस भरा हुआ। तो फ्रेंड्स, इसको आप बना के बहुत दिनों तक खा सकते हैं, इसको आप जरूर ट्राई करें सर्दियों में, आप बनाइए इसको और एक जरूर खाइए डेली। तो आपको अच्छा लगे मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर से मिलते हैं, बाय बाय।